आदाब, मैं डॉक्टर सफीना समावी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर सेशन में आप सभी तलबा और तालबात का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बीए का पेपर UGUR 102 पढ़ेंगे, जिसका मैं आपको यूनिट 14 पढ़ाऊँगी, जिसमें उर्दू ड्रामे की तारीफ, उसकी खसूसियत और उसके आगाज़ और इर्तका पर गुफ्तगू की जाएगी। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ड्रामे की तारीफ पर बात करेंगे, यानी कि ड्रामा किसे कहेंगे। कहा जाता है कि ड्रामा यूनानी कौम की इजाद है और तमाम नाकदीन का यह ख्याल है कि ड्रामा यूनान से आया है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रामे की इजाद का सेरा यूनान की डोरियन कौम को जाता है और जिनकी जबान डोरिक लैंग्वेज, यानी उसके एतबार से ड्रामा लफ्ज ड्रॉ से निकला है। लफ्ज ड्रॉ जो है इसका मजदर है ड्रेन। ड्रेन के माने होते हैं टू डू, यानी किसी चीज को करना। ड्रेन मजदर से बना है लफ्ज ड्रॉ, जिसके माने हैं अमल या एक्शन या किसी चीज को करके दिखाना या कोई की हुई चीज। हिंदुस्तानी अखबार से अगर हम ड्रामे की तारीफ पेश करें तो हमें संस्कृत जबान से इस्तेफादा करना पड़ता है। संस्कृत जबान में ड्रामे की तारीफ इस तरह की गई है कि अवस्थानुकृति नाट्यम, यानी अवस्थाओं के अनुकरण को नाटक कहते हैं। यानी हम उर्दू में इसे इस तरह कह सकते हैं कि इंसानी जिंदगी के हालात और वाकयात की नकल करना ही ड्रामा है। ड्रामे की तारीफ के सिलसिले में दो कदीम किताबों से इस्तेफादा किया जाता है, जिसमें पहली अहम किताब है हिंदुस्तान में लिखी हुई भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। नाटक के फन पर लिखी हुई यह सबसे कदीम किताब मानी जाती है। इसके बाद दूसरी किताब जो सबसे अहम है वो है यूनानी फलसफी अरस्तु की लिखी हुई किताब बूतिका, जिसे हम पोएटिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में जो नाट्यशास्त्र है उसके एतबार से ड्रामे को लिखा गया है कि ड्रामे के लिए लफ्ज रूपक का भी इस्तेमाल किया गया है। रूपक यानी रूपम दृश्ययोजते, यानी जिस चीज़ को देखा जाए या देखा जा सकता हो उसे हम रूपक या नाटक कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ड्रामा किसी चीज़ की नकल है, और ऐसी नकल जो हमारे सामने की जाए और जिसे हम देख सकें। यानी इसके साथ ही साथ ड्रामे का ताल्लुक स्टेज से भी बन जाता है। यूनान का फलसफी अरस्तु, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसकी किताब बूतिका में ड्रामे की जो तारीफ की गई है उसने ड्रामे लफ्ज के लिए लफ्ज मिमेस्थाई का इस्तेमाल किया है। मिमेस्थाई अंग्रेजी जबान में मिमेसिस कहा जाता है, जिसके माने हैं टू इमिटेट, यानी कि किसी चीज़ की नकल करना। मिमेस्थाई के मतलब हुए किसी चीज़ की नकल करने के। यानी जिस तरह से संस्कृत जबान में कहा गया है कि अवस्थाओं के अनुकरण को नाटक कहते हैं, यानी किसी चीज़ को फिर से करना नाटक है, उसी तरह से यूनानी जबान में भी ड्रामे की तारीफ की गई है कि किसी चीज़ को दोबारा करना या किसी चीज़ की नकल करना ड्रामा कहलाता है। इस सिलसिले में हम ड्रामे की एक तारीफ देख सकते हैं कि ड्रामा इंसानी ज़िंदगी के हालात और वाकयात और हरकत और अमाल का ऐसा मजमुआ है जिसकी पेशकश स्टेज पर किरदारों के जरिए की जाती है, जिसको देखकर हकीकत का एहसास होता है। मशहूर शायर और नाक़िद कोलरिज का कौल है, ड्रामा इज़ नॉट अ कॉपी बट एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। यूनानी जबान में मिमेस्थाई जो लफ्ज़ है, जिसका अंग्रेजी जबान में मिमेसिस तर्जुमा किया गया है, इसके माने होते हैं द यूज़ ऑफ इमिटेशन टू प्रेजेंट रियलिटी इन आर्ट एंड लिटरेचर। यानी अदब और फन में हकीकत को पेश करने के लिए नकल का इस्तेमाल करना। जैसा कि कोलरिज कह रहा है कि ड्रामा इज़ नॉट अ कॉपी, यानी ये सिर्फ एक कॉपी नहीं है, किसी चीज़ की नकल नहीं है, बट एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये लफ्ज जो इमिटेशन है, इसके माने होते हैं किसी चीज़ की नकल करना लेकिन उसको बेहतर तरीके से पेश करना, जिसे आप रिप्रेजेंट कह सकते हैं या किसी चीज़ की नुमाइंदगी भी कह सकते हैं। इस कॉल के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि ड्रामा एक ऐसी सिंफ है जिसमें किसी वाकई की सिर्फ नकल ही नहीं की जाती, बल्कि उसके साथ इसकी बेहतर पेशकश के लिए इसमें आरायश और ज़िबाइश से भी काम लिया जाता है। यानी अगर मैं कहूँ
कि ड्रामा सिर्फ नक्ल नहीं है बल्कि ये एक तरह की आरइश और ज़ेबाइश के साथ किसी चीज़ को की पेशकश है, तो ये गलत ना होगा। मैं आपको कॉपी और इमिटेशन में एक मिसाल के ज़रिए से फ़र्क बताना चाहती हूँ। जैसे मुझे अगर कोई सेंट दिया जाए और जिसके दो रंग हो, यानी वो आधा लाल यानी कि हाफ रेड और हाफ ग्रीन हो यानी आधा हरा हो, और मुझसे कहा जाए कि मैं इसकी कॉपी करूँ, तो मैं उसकी तस्वीर बनाते वक्त उसकी तस्वीर इस तरह बनाऊंगी कि सेब हूबहू वैसा ही दिखे, यानी मैं उसमें दो रंगों का इस्तेमाल करूंगी, आधा लाल और आधा हरा। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि मैं उस सेब की इमिटेशन करूं, यानी उसको और बेहतर बनाऊं, तो मैं उसके लिए उस सेब को पूरी तरीके से लाल पेश करूंगी। हो सकता है कि मैं उससे और बेहतर बनाने के लिए उसके नीचे एक टोकरी रख दूँ, या उसके ऊपर किसी तरह का कोई खूबसूरत कपड़ा डाल दूँ जैसे डेकोरेशन के लिए, या उसके साथ मैं एक चाकू रख दूँ, नाइफ रख दूँ, जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए या वो और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे। यानी एक सेब जिसको मैंने हूबहू पेश कर दिया वो हो गई कॉपी, और एक सेब जिसकी मैंने इमिटेशन किया यानी उसको रिप्रेजेंट किया, दोबारा से प्रेजेंट किया, तो मैंने उसको बेहतर बना दिया। ड्रामा बिल्कुल यही चीज़ है कि आप किसी चीज़ की या किसी वाकये की, किसी भी अमल की या किसी भी हादसे की सिर्फ नकल नहीं करते बल्कि उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इसे ही हम ड्रामा कहते हैं। अब हम ड्रामे की अज्जाए तरकीबी के बारे में पढ़ेंगे। अज्जाए तरकीबी से मुराद ये है कि किन किन अज्जा यानी किन किन चीज़ों से मिलकर ड्रामा बनता है, या कौन सी चीज़ें ड्रामे में होनी चाहिए जिसके बाद वो सिर्फ ड्रामा कहलाने की मुस्तहक है। इसमें सबसे पहले आएगा मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल से मुराद ये है ड्रामे का मौजू। ड्रामे का मौजू किसी भी किस्म का हो सकता है, वो सियासी भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, नफसियाती हो सकता है या माहौलियाती हो सकता है। इस तरह के मौजू पर ड्रामे लिखे जा सकते हैं। दूसरा अहम हिस्सा है ड्रामे का प्लाट। प्लाट ड्रामे के किस्से या कहानी को कहते हैं या किसी वाकये को कहते हैं। तो तमाम वाकयों को जब एक के बाद एक तरतीब दिया जाता है या उसकी तश्कील की जाती है, उसे प्लॉट कहा जाता है। यानी ड्रामे में एक के बाद एक वाकयात आते जाएंगे और ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, यानी ड्रामे का किस्सा, उसे हम प्लॉट कहेंगे। प्लॉट के कुछ अहम हिस्से होते हैं जैसे आगाज़ या तमहीद, कशमकश, मुंतहा, अंजाम, वहदत ज़मा, वहदत मका, वहदत तासुर। ये तमाम अज़ा प्लाट के लिए ज़रूरी हैं, इनके बगैर ड्रामे की तकमील या प्लाट की तकमील नहीं हो सकती है। आगाज़ या तमहीद ड्रामे में बहुत अहमियत रखती है। उसकी वजह यह है कि ड्रामा जब स्टेज पर पेश होता है तो उसको देखने के लिए नाज़रीन वहाँ मौजूद होते हैं। तो ड्रामे की पेशकश इस तरह से होनी चाहिए कि नाज़रीन जब उसको देखें तो उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो और वो बैठें, और उनके अंदर तजस्सुस भी पैदा हो कि वो बैठें और देखें कि ड्रामा आगे क्या होता है ड्रामे में, और ड्रामा किस किस तरह से आगे बढ़ता है। तो ड्रामे में प्लाट में आगाज़ या तमहीद होना बहुत ज़रूरी है, और तमहीद में दिलचस्पी का काम होना ज़रूरी होता है। कशमकश, जैसे जैसे प्लाट आगे बढ़ता है वैसे वैसे ड्रामे में जो किरदार मौजूद हैं जिनके ज़रिए वाकया बढ़ाया जाता है आगे, या वाकये की तश्कील होती है, उनके दरमियान कशमकश पैदा होती है। यानी उनके जहन में उलझने पैदा होती हैं, उनके ज़िंदगी में मुसीबतें या परेशानियां आती हैं, और वो कशमकशों में या उलझनों में उठते चले जाते हैं। तो इस तरह से कशमकश किरदारों के दरमियान पैदा होती है, और जब ये दो किरदार आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान तसादुम भी होता है। तसादुम यानी कि दो किरदारों के दरमियान इख्तलाफ होना, यानी उन दोनों के सोच ना मिलना, या उन दोनों के काम में ना मिलना, या उन दोनों के ज़हनों को ना मिलना। तो जब इन दो किरदार मुख्तलिफ ज़हनियत के या मुख्तलिफ नज़रिए के होंगे तो उनके दरमियान टकराव होगा, जिसे हम तसादुम या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी कशमकश पैदा होती है, और ये कशमकश या कॉन्फ्लिक्ट ड्रामे में कहानी को आगे बढ़ाने में मदद देती है। इसके बाद प्लाट का तीसरा और अहम हिस्सा है मुंतहा। मुंतहा ड्रामे में उस हिस्से को कहते हैं जब कहानी आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचती है जहां पर यह तजस्सुस कायम हो जाता है कि इसके बाद क्या होगा, जिसे हम अंग्रेज़ी में क्लाइमैक्स भी कहते हैं। क्लाइमैक्स के बाद ड्रामा सीधे अंजाम की जानिब रुजू करता है। अंजाम ड्रामे क्लाइमैक्स के बाद जैसे जैसे ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है, देखने वालों को यानी नाज़रीन को इस बात का अंदाज़ा होने लगता है कि ड्रामे का इख्तिताम कैसा होगा, यानी उसका अंजाम कैसा होगा।
ड्रामे का इख्तिताम शर पर होगा या ड्रामे का इख्तिताम खैर पर होगा, जिसे हम अलमियाती ड्रामा या तरबियाती ड्रामा भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम ट्रेजेडी और कॉमेडी कहते हैं। अलमियाती ड्रामा यानी ट्रेजिक ड्रामा जो होता है वो गम पर ख़त्म होता है, किसी मुसीबत पर ख़त्म हो सकता है, और कॉमेडी जिसे हम तरबियाती ड्रामा कहते हैं वो खात्मा बिलखैर यानी कि खुशी पर उसका इख्तिताम होता है। प्लाट का चौथा हिस्सा जो है वो है वहदत जमा, वहदत मका और वहदत तासुर। ये प्लाट का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। इसमें वहदत जमा से मुराद ये है कि ड्रामे में जो भी किस्सा पेश किया जाए, यानी ड्रामे के किस्से जो कहानी है उसका जो पूरा वाकया है वो पेश किया जाए, उस वो बहुत ज़्यादा अरसे पर मुहित ना हो, यानी कि या तो एक महीने के अरसे पर, दो महीने के अरसे पर, हद से हद एक साल के अरसे पर मुहित हो, ताकि ड्रामा बहुत ज़्यादा तवील ना हो। दूसरा वहदत जमा से मुराद ये लिया जाता है कि ड्रामे का इख्तिताम 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, ड्रामा 3 घंटे से ज़्यादा स्टेज पर पेश ना किया जाए। उसकी पेशकश से ये होता है कि नाजरीन ड्रामे को देखते वक्त ऊब जाते हैं और बहुत तवील अरसे तक बैठे रहने से ड्रामे में दिलचस्पी भी कम होती है। वहदत मका, वहदत मका से मुराद ये है कि ड्रामे में जो भी स्टेज पर पेशकश की जा रही है, यानी कि ड्रामे का जो मकान है जो एक ही जगह, वहदत मका से मुराद ये है कि ड्रामे में जो पेशकश की जा रही है जिस मकाम की, वो मकाम एक हो। मिसाल के तौर पर जैसे किसी का ड्राइंग रूम पेश किया जा रहा है तो सिर्फ ड्राइंग रूम पेश किया जाए, किसी की आंगन पेश की जा रही है, या कोई एक बाहर की जगह पेश की जा रही है, या किसी का दालान है या किसी का बेडरूम है, तो इस तरह से एक ही मकान यानी एक ही जगह पर पूरा ड्रामा शुरू से लेकर आखिर तक तकमील हो जाए, ताकि बार बार जो है स्टेज के सेटअप को चेंज ना करना पड़े। तीसरा जो है है ये इसका वहदत तासुर। ड्रामे में वहदत तासुर का होना बहुत ज़रूरी है। वहदत तासुर से मुराद ये है कि ड्रामा शुरू से लेकर इब्तिदा तक एक ही तासुर से चले, यानी अगर ड्रामे में गम दिखाया जा रहा है या और तमाम किरदार उसके गमगीन हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक वो गम में ही डूबा रहे और उसका अंजाम अलमिया हो। और अगर ड्रामे में खुशी दिखाई जा रही है और तमाम तरह से के तमाम जो किरदार हैं ड्रामे के वो तरबियाती हैं, तो इस तरह से ड्रामे का इख्तिताम भी तरबिया हो, उसमें अलमिया का तासुर बिल्कुल ना हो। यानी कि अगर ड्रामे में गम है तो वो गम पर उसका इख्तिताम हो, और अगर ड्रामे में खुशी है तो खुशी पर उसका इख्तिताम हो। इसे हम कहेंगे वहदत तासुर, यानी एक तरह का तासुर पेश करें, तरबिया और अलमिया दोनों की जो है आमेजिश इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्लाट के अज्जा में मकालमा आता है। मकालमा यानी ड्रामे में जो किरदार हैं वो जो बातें करते हैं, जो आपस में गुफ्तगु करते हैं, हम उसे मकालमा कहते हैं। मकालमे का एक अहम हिस्सा ज़बान होती है। ज़बान यानी किरदार जो बातें करेंगे वो अपनी ज़बान में करें, यानी मिसाल के तौर पर जैसे कोई बादशाह बोले तो वो बादशाही अंदाज में बात करे, और कोई सब्ज़ी वाला है, फल वाला है या फेरी वाला है, वो जब बात करे तो वो अपने ही अंदाज में बात करें, ताकि ज़बान उसके किरदार से मिले मेल खाए। इसके बाद ड्रामे का आखिरी हिस्सा मौसीकी और आराइश है। मौसीकी और आराइश से मुराद ये है कि ड्रामे में तासुर बढ़ाने के लिए मौसीकी यानी म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसके तासुर को बढ़ाया जा सके। जैसे अलमियाती ड्रामा है तो गमगीन मौसीकी का इस्तेमाल किया जाए, अगर खुशी वाला ड्रामा है, तरबियाती ड्रामा है, तो तरबिया मौसीकी का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद है आखिरी हिस्सा आराइश। आराइश कहते हैं ड्रामे में स्टेज की सजावट को, यानी जिस तरह से या जिस मकाम पर ड्रामा पेश किया जा रहा है उसमें इस तरह की आराइश और ज़ेबाइश हो कि ड्रामा जो है नेचुरल लगे, यानी हकीकत से करीब मालूम हो। अब हम देखेंगे उर्दू ड्रामे का आगाज़ और इर्तका। उर्दू ड्रामे का आगाज़ और इर्तका से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उर्दू ड्रामे का आगाज़ हिंदुस्तान में संस्कृत ड्रामा, उसके बाद अवामी ड्रामाई रवायत, और उसके बाद उर्दू ड्रामा शुरू होता है। हिंदुस्तान में सबसे पहले संस्कृत ड्रामा शुरू हुआ, और संस्कृत ड्रामों के बाद और इनके जवाल के बाद अवामी ड्रामाई रवायत शुरू हुई। अवामी ड्रामाई रवायत के साथ ही साथ उर्दू ड्रामे का आगाज़ और इर्तका होता है। तो ये 3 हिस्से हैं, इन 3 हिस्सों से उर्दू ड्रामा शुरू होता है।
सबसे पहले हम संस्कृत ड्रामे पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। संस्कृत ड्रामों को मैंने यहाँ पर कुछ अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामों के नाम लिखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पहला दस्तियाब शुदा संस्कृत का ड्रामा है वो है शूद्रक का मृच्छकटकम। मृच्छकटकम यानी मिट्टी की गाड़ी। उसके बाद महाकवि कालिदास का ड्रामा है शकुंतला, मालविकी अग्निमित्र और विक्रम उर्वशी। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े ड्रामा निगार और शायर भी माने जाते हैं। हर्ष, हर्ष जो है एक जगह के राजा थे हिंदुस्तान में, इनकी हिंदुस्तान के बड़े इलाके पर इनकी हुकूमत थी। इन्होंने ये तीन ड्रामे लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इसमें रत्नावली इनका बहुत मशहूर ड्रामा है। भवभूति, भवभूति संस्कृत का एक बड़ा ड्रामा निगार समझा जाता है। इनके ड्रामों में उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती महादेव, ये संस्कृत के ड्रामों का एक मुख्तसर सा खाका मैंने पेश किया है, जिससे आप संस्कृत ड्रामों के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद अवामी ड्रामाई रवायत, जिसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। इसमें रामलीला, रासलीला, भांडों की नकलें, भगत, कठपुतली का खेल, सांग और सांगीत, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। रामलीला के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि दशहरे के मौके पर जब रामलीला का खेल खेला जाता है, जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास यानी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो उनकी खुशी में दशहरा मनाया जाता है और इसी दशहरे के त्यौहार पर रामलीला का खेल खेला जाता है। रामलीला में भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता और हनुमान की कहानी पेश की जाती है, जिसमें रावण और उसकी लंका का भी किरदार पेश किया जाता है। रासलीला, रासलीला श्री कृष्ण और उनके गोकुल गांव की गोपियों के साथ श्री कृष्ण के खेल को कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो गोकुल गांव में रहा करते थे और वहां की गोपियां श्री कृष्ण से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। तो जब गोपियां रात को अपने अपने कामों से फारिग हो जाया करती थीं, तो श्री कृष्ण के पास रात में आती थीं और उनसे बांसुरी बजाने की फरमाइश करती थीं। चूँकि श्री कृष्ण बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाते थे, इस वजह से गोपियाँ उनकी बांसुरी सुनकर अपने में महव हो जाती थी और उसी तरह से महव रहते हुए वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर रक्स करना शुरू करती थी। इस रक्स में श्री कृष्ण की भी उनका साथ देते थे। इस तरह से ये जो गोल रक्स होता था, इसे हम रासलीला कहते हैं। भांडों की नकलें, भांड उत्तर प्रदेश जिले के मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखसूस आगरा और मथुरा वगैरह में ये भांड रहा करते थे। भांड वो लोग हैं जो नकल किया करते थे, जैसे मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालना या किसी शख्स की नकल करना, और ये इस तरह से आवाज़ें निकालते थे या इस तरह से नकल करते थे कि लोगों को हंसी आए, यानी कि इनके साथ साथ इसमें भांडों की नकलें। यानी भांड उत्तर प्रदेश के इलाकों में पाए जाने वाली नाटक मंडलियां हैं और उसमें ये भांड रहा करते थे। इनका काम ये था कि ये मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की आवाज़ें निकाला करते थे, इंसानों की नकल किया करते थे और तरह तरह की नकल करके, मजाहिया नकल करके लोगों को हंसाया करते थे। तो इस तरह से मजाहिया टुकड़े पेश करके ये लोगों की तफरी या उनका एंटरटेनमेंट करते थे। भगत, भगत उन लोगों को कहते हैं जिन्हें भगतिया या भगतबाज भी कहा जाता था। भगतबाज ख़ास तौर से मजहबी किरदारों की नकल किया करते थे, जिसमें जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं या ब्रह्मा हैं, तो इस तरह के किरदारों की नकल करके लोगों की तफरी करते थे। कठपुतली का खेल, कठपुतली जिसे हम पपेट प्ले भी कहते हैं, कठपुतली एक तरह की गुड़िया रहती थी जिसके ज़रिए से नकल करके या अदाकारी करके कहानियों को पेश किया जाता था। इसमें कठपुतली औरत की शक्ल में, आदमी की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में या जानवरों की शक्ल में भी बनाई जाती थी। ये कठपुतलियाँ ख़ास तौर से लोक कहानियों को प्रेजेंट करने के लिए या पेशकश करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि हीर रांझा है, लैला मजनू का किस्सा है या शीरी फरहाद का किस्सा है। इस तरह की जो लोक कहानियां थी उसके कठपुतलियों के जरिए आवाम के सामने पेश किया जाता था। ये भी एक तरह का तफरी का जरिया थी। सॉन्ग, सॉन्ग कहते हैं बहरूप भरने वाले को, यानी नकल करने वाले को। सॉन्ग आमतौर से मथुरा, आगरा, फैजाबाद के इलाकों में रहा करते थे ये लोग, जो सॉन्ग यानी बहरूप भरते थे। ये भी एक तरह के नाटक मंडलियां या नाटक
नाटक करने वाले लोग थे जो मुख्तलिफ किस्म के उमरा है, रोसा है या बादशाह है या अवाम है, जो इन्हें अपने यहाँ दावत देते थे नकल करने की या नकल करके खेल दिखाने की, उनके यहाँ जाकर उनकी नकल करते थे। इनके यहाँ ख़ास बात यह है कि भांड जिसके भी घर जाया करते थे, चाहे वो कोई उमरा हो, अमीर हो या रईस हो या बादशाह हो या नवाब हो, उसकी किसी न किसी कमज़ोरी को ये देखते थे और उस कमज़ोरी को मजाहिया शक्ल में लोगों के सामने पेश करते थे। इससे फ़ायदा ये था कि एक तो सामने वाले की इसलाह भी हो जाया करती थी, दूसरा उनको उनकी तफरी में भी ये काम आती थी। संगीत, संगीत करने वाले वो लोग थे जो नक्काली के ही फ़न को संगीत यानी कि मौसीकी के ज़रिए और अदाकारी के ज़रिए पेश करते थे। इनके नाटकों में भी या इनके मजाहिया टुकड़ों में भी अक्सर मज़ा भी है, तंज भी है और संजीदा मौजूआत पर भी ये अपने ड्रामे या अपने खेल पेश किया करते थे। तो ये तमाम अवामी ड्रामाई रवायत वो हैं जिसमें रामलीला, रासलीला, भांडों की नकलें, भगत, कठपुतली का खेल, सॉन्ग और संगीत जो उर्दू ड्रामे के आगाज़ और इरतकाम में मुआविन हैं। इन्हीं तमाम अवामी ड्रामाई रवायत से किस्से चलते चलते उर्दू ड्रामे का भी आगाज़ और इर्तका आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे उर्दू ड्रामे का आगाज़ और इर्तका लखनऊ के हवाले से। उर्दू का सबसे पहला ड्रामा कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने अपने शाही महल में खेला था, जिसे रहस्य राधा कन्हैया का किस्सा कहा जाता है, जो 1843 यानी 1843 में पहली बार खेला गया। नवाब वाजिद अली शाह ने उर्दू ड्रामे के फ़रोग में बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने शाही महल में बाकायदा एक म्यूज़िक स्कूल यानी जिसे उन्होंने परीखाने का नाम दिया था वो बना रखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे किरदारों को जमा किया और जमा करने के बाद अदाकारी की और रक्स की मश कराने के लिए बहुत सारे उस्ताद रखे, ताकि जब भी वो ड्रामा खेलें या रहस्य खेलें तो वो अदाकार अपने सहूलत के एतबार से ड्रामा कर सकें और अदाकारी का फन अदा कर सकें। इसके बाद शाही जलसों से तरगीब पाकर अवामी जलसे भी होने लगे। जैसे कि लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया का किस्सा जब खेला तो उसका जिक्र अवाम में भी हुआ। उसके बाद उसी जलसे से तरगीब पाकर अमानत ने इंदर सभा नाम का एक ड्रामा लिखा, जिसे उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कहा जाता है, जिसे 1852 में आगा हसन अमानत ने लिखा और 1854 में ये पहली बार स्टेज पर पेश हुआ। इंदर सभा के तर्ज पर उस बहुत सारी सभाएं भी लिखी जाने लगीं, जिसमें फर्रुख सभा, राहत सभा, नागर सभा, करजन सभा, नेचर सभा, निशात इश्क, जश्न परिस्तान, बज़्म सुलेमा और परियों की हवाई मजलिस अहम है। अवामी ड्रामाई रवायत के बाद लखनऊ में वाजिद अली शाह ने ड्रामा शुरू किया और उसके बाद इंदर सभा और इंदर सभा के बाद दीगर सभाओं से उर्दू ड्रामे का आगाज़ होता है। उसके बाद उर्दू ड्रामा बंगाल में जाता है। बंगाल में पारसी थिएट्रिकल कंपनियां, बंगाल में बहुत सारी ऐसी थिएट्रिकल कंपनियां बनी जिन्होंने ड्रामे की पेशकश करनी शुरू की, लेकिन इनका मकसद तजारती था, यानी कि ये पैसे कमाने के लिए ड्रामे किया करती थी। इन पारसी थिएट्रिकल कंपनियों ने बंगाल में 1853 से लेकर 1857 तक ड्रामे स्टेज किए। ये कंपनियां बंगाल से बाहर जाकर भी ड्रामे पेश करती थीं। इसमें राहत अफजा थिएट्रिकल कंपनी और हुस्न अफजा थिएट्रिकल कंपनी, ये दोनों कंपनियां बहुत अहम हैं, जिन्होंने बंगाली जबान के साथ साथ उर्दू जबान में भी बहुत सारे ड्रामे स्टेज किए हैं। बंगाल में भी इंदर सभा की जब शोहरत पहुंची तो बंगाल में सांपों के खेल पर एक नागर सभा खेली जाने लगी, जिसको इंदर सभा के तर्ज पर ही नागर सभा नाम दिया। 1857 की बगावत के बाद बंगाल का माहौल साजगार नहीं रहा, जिसकी वजह से बंगाल में ड्रामे और थिएट्रिकल कंपनियां बंद हो गईं। उसके बाद हम मुंबई की तरफ जाएंगे। मुंबई में उर्दू ड्रामे का आगाज़ हुआ, क्योंकि मुंबई में 1700 से ही ड्रामे खेले जाते थे और वहां पर थिएटर भी कायम था और थिएट्रिकल कंपनियाँ भी कायम थी। तो इन दोनों चीज़ों के वजूद से या मुंबई में इन दोनों चीज़ों के होने से मुंबई में उर्दू ड्रामे के लिए और थिएटर के लिए माहौल बहुत साजगार था। मुंबई में बहुत सारी पारसी थिएट्रिकल कंपनियां थी, जिन कंपनियों ने या जिनमें पारसी थिएट्रिकल कंपनियों ने उर्दू ड्रामे भी स्टेज कराए। हालांकि ज़्यादातर ये थिएट्रिकल कंपनियां मराठी जबान में ड्रामे स्टेज किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब आवाम की दिलचस्पी देखी गई कि उर्दू ड्रामे भी देखने के लिए आवाम आ रहे हैं, तो इस वजह से उर्दू के भी ड्रामे पारसी थिएट्रिकल कंपनियों के ज़रिए स्टेज किए जाने लगे। यहाँ पर उर्दू
का पहला ड्रामा पारसी ड्रामेटिक कोर ने 1854 में स्टेज किया, जिसका नाम है पैदाइश ओ सयाउश। यानी ये उर्दू का पहला ड्रामा है जो पारसी ड्रामेटिक कोर कंपनी ने पहली बार उर्दू में स्टेज किया, और इस ड्रामे की इतनी शोहरत और मकबूलियत हुई कि इसके बाद मुस्तकिल जो है ड्रामे उर्दू में लिखे जाने लगे और स्टेज किए जाने लगे। इन कंपनियों में एल्फर्ड नाटक मंडली, एल्फिस्टन ड्रामेटिक क्लब, विक्टोरिया नाटक मंडली और न्यू एल्फिस्टन नाटक मंडली अहम कंपनियाँ हैं। पारसी थिएटर और उसके अहम ड्रामा निगार। अब हम पारसी थिएटर के जरिए जो ड्रामे लिखे जा रहे थे उन ड्रामों के बारे में और कौन कौन से अहम ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ड्रामे लिखे, उन पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रामा निगारों के नाम हैं निसरवान जी, मेहरवान जी आराम, गुलो सनोबर, बागो बहार, बहराम और शीरें और जमा बख्त वगैरह इनके अहम ड्रामे हैं। महमूद मियाँ रौनक, बेनज़ीर बद्र मुनीर, लैला मजनू, अंजाम उल्फत, पूरन भगत, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, जश्न परिस्तान, अंजाम स्तम, फर्रुख सबा, पुलिस नाटक, मोहम्मद अल्फ खां हुबाब, शरारा इश्क, अफसाना अरजंग, ताईद खुदा और कृष्ण लीला, हुसैनी मियां जरीफ, गुलजार इस्मत, ख्वार का खुदा यार, जुल्म इमरान और खुदा दोस्त, विनायक प्रसाद तालिब, लैलो निहार, नवल दमयंती, चमन इश्क और ख़जाना गैब, मेदी हसन एहसन लखनवी, खून नाहक, चलता पुर्जा, चंद्रावली और दिल फरोश, पंडित नारायण प्रसाद बेताब, कत्ले नज़ीर, कृष्ण अवतार, कृष्ण सुदामा और हुस्न फरंग वगैरह, आगा हश्र काश्मीरी, मुरीद शक, आफ्ताब मोहब्बत, यहूदी की लड़की, सिल्वर किंग, सफ़ेद खून, आँख का नशा, खूबसूरत बला, ख्वाब हस्ती और शहीद नास वगैरह। इन तमाम ड्रामा निगारों में आगा हश्र काश्मीरी का नाम बहुत अहम है। इन्होंने तकरीबन 28 ड्रामे लिखे, लेकिन इनके ड्रामों की खासियत यह है कि इनके ड्रामे सिर्फ तफरीही नहीं हैं बल्कि इसमें सियासी, समाजी और माहौलियाती और नफसियाती हर किस्म के ड्रामे आपको मिलेंगे। इसके बाद उर्दू में जदीद ड्रामों का दौर शुरू होता है जो कि 20वीं सदी की इब्तदा से हम देखते हैं। उर्दू का पहला ड्रामा जो जिसे हम जदीद ड्रामा कहेंगे वो है अनारकली, जिसे सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में लिखा था और 1931 में ये मंजर-ए-आम पर आया। अनारकली को जदीद ड्रामा इसलिए कहते हैं कि पहली बार किसी ड्रामे में खुद कलामी का इस्तेमाल किया गया, यानी किरदार खुद अपने जहन की बात, अपने दिल की बात या उनके जहन में जो कशमकश चल रही है या जो तसादुम चल रहा है उसका इजहार खुद कलामी के ज़रिए नाज़रीन के सामने कर रहे थे, और इससे ये हुआ कि नाज़रीन को भी ये बात पता चली और वो जान पाए कि किरदारों के जहन में क्या चल रहा है। इससे पहले किरदारों के जहन में या उनके दिल में चलने वाली बात को जाहिर करने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। दूसरा उर्दू का अहम ड्रामा जो है वो है डॉक्टर आबिद हुसैन का पर्दा गबला। मौजू के एतबार से यह ड्रामा औरतों को जायदाद में हिस्सा देने के मौजू पर मबनी है। उर्दू ड्रामे के आगाज़ और इर्तका में अहम मोड़ तब आता है जब 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है। तरक्की पसंद तहरीक एक अदबी तहरीक है जिसका मकसद ये था कि अदब में हकीकत पसंदी को फ़रोग दिया जाए। हकीकत पसंदी से मुराद ये है कि अदब में ऐसी चीज़ें पेश की जाएं जिसमें हकीकत का अंसुर गालिब हो, ऐसी चीज़ें ना हों जो ख्वाब ख्याल की बातें हों, जिसमें ख्याली दुनिया का जिक्र किया जाए और हकीकत से जिसका कोई भी सरोकार ना हो। तो इस हकीकत पसंदी के चलते बहुत सारे असनाफ जिसमें अफसाना है, ड्रामा है, नावल है और नज़म है, गज़ल है, तमाम असनाफ पर उसी तरक्की पसंदी के तहत तमाम असनाफ पर मौजू में तब्दीली आना शुरू हुई। इसी तरह से ड्रामे ने भी तरक्की पसंद तहरीक का असर कबूल किया और बहुत सारे ड्रामा निगारों ने तरक्की पसंद तहरीक के तहत ड्रामे लिखे, जिनमें कुछ अहम नाम मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। वो ये है कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास और अली सरदार जाफरी। दरवाज़ा, कृष्णचंद्र का ड्रामा दरवाज़ा खोल दो, सराय के बाहर, नीलकंठ, बेकारी और काहिरा की एक शाम। इसमें दरवाज़ा खोल दो सबसे अहम ड्रामा है। इस ड्रामे में एक पंडित शख्स को दिखाया गया है जिसके बहुत सारे घर हैं और वो तमाम घरों को किराए पर उठाता है और किराया उससे लेता है, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि वो पंडित के अलावा किसी भी मज़हब के या किसी भी ज़ात के लोगों को अपना घर नहीं देता है। इत्तेफाक से एक बार कोई ईसाई डॉक्टर उसकी जान बचाता है और उसके बाद से उसके ख्यालात में तब्दीली आ जाती है और वो तमाम मज़ाहब और तमाम ज़ात के लोगों को घर देना शुरू कर देता है। इसमें चुगताई का ड्रामा, तीन अनाड़ी, खामखा, शैतान, तन्हाई का जहर,
सांप और धानी बांके है। इसमें धानी बांके अहम ड्रामा है जो उन्होंने फसादत के मौजू पर लिखा हुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी का रूह इंसानी, बेजान चीज़ें, ख्वाजा सरा, कार की शादी और नकल मकानी। राजेंद्र सिंह बेदी का यह ड्रामा रूह इंसानी एक मुसन्निफ़ की रूह की दास्तान है, यानी एक मुसन्निफ़ से उसके इजहार करने की आज़ादी छीन ली गई है, जिसकी वजह से वो बहुत गमगीन है और वो अपने दिल की बातों को या अपने जहन की बातों को पेश नहीं कर पा रहा या उसका इजहार नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी रूह बहुत ज़ख्मी हो चुकी है। सादत हसन मंटू का ड्रामा कानून की हिफाजत, एक मर्द तीन उंगलियां, 2000 साल बाद और नीली रगें। इसमें कानून की हिफाजत और नीली रगें अहम ड्रामा है। कानून की हिफाजत एक वकील की कहानी है और नीली रगें एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जो निस्वानी हुस्न पर से ताल्लुक़ रखता है। ख्वाजा अहमद अब्बास का जुबैदा, लाल गुलाब की वापसी, रिपोर्टर, 12:05, ये अमृत है, एटम बम और अनन्नास, और गांधी जी और कुंडा। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम तरकीब पसंद ड्रामा निगारों में सर फहरिस्त है। इनके बहुत सारे ड्रामे हैं जो हकीकत पसंदी पर लिखे गए हैं और हकीकी चीज़ों को वो पेश करते हैं। इसमें सबसे अहम जो ड्रामा है उनका वो जुबैदा है। जुबैदा एक ऐसी मुस्लिम लड़की की कहानी है जो कालरा का मर्ज को जो कालरा का मर्ज़ है उससे लोगों को बचाने के लिए अपना पर्दा उतार देती है और लोगों की खिदमत करती है। अली सरदार जाफरी का ड्रामा ये किसका खून है, गौतम का मुजस्मा, अजरा, सिपाही की मौत और लाल झंडा। इसमें ये किसका खून है बहुत अहम ड्रामा है जो कि किसी गांव पर हिंदुस्तान के किसी गांव पर हमला किया था और उस हमले में गांव वाले अपनी जान किस तरह बचाते हैं, उस मौजू पर लिखा गया अहम ड्रामा है। उर्दू ड्रामे के आगाज़ और इर्तका के सफ़र में अब हम 1947 से 1970 तक उर्दू ड्रामे का जायज़ा लेंगे, यानी आज़ादी के बाद उर्दू ड्रामे की क्या सूरत हाल है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का माहौल बदल गया, माशरती निज़ाम बदला, समाजी निज़ाम बदला, हमारी तहजीबी कदरें भी बदल गईं। इन तमाम चीज़ों के बदल जाने का असर अदब पर भी पड़ता है और अदब पर पड़ने के साथ साथ चूँकि ड्रामा अदबी सिंफ है तो ड्रामे पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। मौजूआत में अब कुछ तब्दीलियाँ हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तकसीम हिंद के मौजूआत आपको ड्रामे में मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा से ही हकीकत पसंदी का रुझान अदब में फ़रोग पा चुका था, तो यहाँ हकीकत पसंदी भी मिलेगी और तकसीम हिंद के जो असरात हैं वो भी इन तमाम ड्रामा निगारों के ड्रामों में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अहम जो ड्रामा निगार हैं वो हैं फजलुर रहमान, शौकत थानवी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर और सालिहा आबिद हुसैन। फजलुर रहमान का ड्रामा ज़ाहिर व बातिन, नई रोशनी, आइंदा ज़माना, कारखाना, सुकरात और चंगेज़। इसमें सुकरात और चंगेज़ एक तारीखी ड्रामा है, लेकिन इसे एक अलामती तौर पर लिखा गया है। उस दौर में हिंदुस्तान के जो हालात थे, जिसमें जुल्म, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, उन्हें तरह तरह की ज़हनी अजियतें मिल रही हैं, उसके पस मंज़र में लिखा गया ये एक बहुत अच्छा ड्रामा है जो उन्होंने चंगेज़ के नाम से लिखा है। शौकत थानवी का ड्रामा मुंशी जी, काजी जी, बर्लिन का अस्पताल, लॉटरी का टिकट, सालगिरह और खुदा हाफिज। इसमें शौकत थानवी एक संजीदा ड्रामा निगार तो हैं ही, लेकिन इनके ड्रामों में मजाक का भी अंसुर मिलता है। और इनके यहाँ मुंशी जी और काजी जी, ये जो आप ड्रामा देख रहे हैं, ये ड्रामों की एक सीरीज़ है। जैसे कि उन्होंने इस तरह के ड्रामे लिखे हैं कि मुंशी जी ने ख़त लिखा, मुंशी जी ने रुमाल ख़रीदा, मुंशी जी ने दाढ़ी बनवाई, मुंशी जी ने टोपी ख़रीदी। इस तरह से ये छोटे छोटे ड्रामे लिखा करते थे, जिसका ये नशर रेडियो पर हुआ करती थी। और इस तरह के मज़ाया ड्रामे लिखने का उनका मकसद कुछ कुछ माशरे की इसलाह करना भी था और उसकी तफरीह भी थी। उपेंद्र नाथ अश्क का ड्रामा मकनातीस, चरवाहे, अजली रास्ते, तौलिए, पड़ोसन का कोट, अंजू बाजी और छठा बेटा। इस दौर के ड्रामा निगारों में उपेंद्र नाथ अश्क का नाम बहुत अहम है। ये बहुत ही संजीदा ड्रामा निगार है, साथ ही साथ जो है गहरा समाजी और सियासी शोर भी रखते हैं। इनके ड्रामों में तौलिए, पड़ोसन का कोट, अंजू बाजी और छठा बेटा बहुत अहम है। अंजू बाजी के एक औरत पर लिखा हुआ ड्रामा है जो कि नफसियाती मरीज़ है और जिसे सफाई का मर्ज़ है, या सफाई का खप्त आप कह सकते हैं वो है, और जिसकी वजह से उसका पूरा
जो कुनबा है या पूरा परिवार है वो जो है बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। छठा बेटा अश्व का तकनीकी लिहाज से बहुत अहम ड्रामा है। इसमें उन्होंने स्टिंगबर्ग की ड्रीम प्ले टेक्निक है उसके तहत ये लिखा है, यानी पूरा ड्रामा ख्वाब में ही मुकम्मल होता है। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खेती, अंजाम, खाना जंगी, आजमाइश, हबा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम और आओ ड्रामा करें। इसमें खेती बहुत अहम ड्रामा है और आजमाइश और दूसरी शाम मोहम्मद मुजीब के अहम ड्रामों में है। इनका खेती का मौजू मजहबी है, इसमें मजहब को लेकर कुछ बातें रखी गई हैं। इसके अलावा हबा खातून कश्मीर में, हबा खातून कश्मीर की एक खातून की कहानी है जो अकबर आजम से अपना कश्मीर बचाने के लिए, बादशाह अकबर जो थे जिन्हें अकबर आजम हम कहते हैं, उनसे अपना कश्मीर बचाने के लिए जंग करती है, यानी एक बहादुर खातून की दास्तान है। इसमें दूसरी शाम एक ऐसे मुसव्विर की दास्तान है जो अपनी सीधी सादी बीवी को छोड़कर एक शहर की पढ़ी लिखी खातून से शादी करता है और वो फिर बुरी तरह से परेशान हो जाता है। हबीब तनवीर का ड्रामा शतरंज के मोरे, चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी, मेरे बाद और आगरा बाजार अहम है। इसमें सबसे अहम ड्रामा इनका आगरा बाजार है। आगरा बाजार में हबीब तनवीर ने जदीद टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसे हम एपिक थिएटर भी कहते हैं। सारे आबिद हुसैन का ड्रामा पिकनिक, आँख का डॉक्टर, शादी, बड़े मियाँ, साज हस्ती, इम्तिहान और उल्टा मंतर है। सारे आबिद हुसैन के ड्रामे ज़्यादातर जो है समाजी मौजूद पर होते हैं और घरेलू ज़िंदगी पर मबनी होते हैं, जिसमें पिकनिक और उल्टा मंतर अहम ड्रामा है। अब उर्दू ड्रामे के आगाज़ और इर्तका में हम 1971 से लेकर सन 2000 तक के ड्रामों का जायज़ा लेंगे। यानी हम अब जदीद दौर में जा रहे हैं और जदीद दौर में ड्रामों के मौजूद और उनकी हैत दोनों तब्दील हो रही है। अभी तक हमारे मौजूद जो हकीकत पर मबनी चीज़ें या हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें ड्रामे में आ रही थी या मौजूद आ रहे थे, उसके साथ ही साथ हम आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान के समाजी माशरती हालात बदल रहे हैं या लोगों के जहन पर उसका जो असर पड़ रहा है या तकसीम हिंद के जो असरात हैं उनका असर ड्रामों पे दिखाई देता है। लेकिन 1971 से सन 2000 तक जो ड्रामे लिखे गए हैं इसमें जो तकसीम हिंद है उसके असरात कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन मौजूद के हवाले से जहाँ तक हम बात करें तो इसमें हकीकत पसंदी का अंसुर ही गालिब रहता है। इस दौर के जो अहम ड्रामा निगार हैं इसमें मोहम्मद हसन, सागर सरहदी, कुमार पाशी, रिफत सरोश, आफाक अहमद, शमीम हनफी, जाहिदा जैदी, कमाल अहमद, जावेद दानिश और जहीर अनवर के नाम लिए जा सकते हैं। मोहम्मद हसन का ड्रामा कोहरे का चांद, पैसा और परछाई, तमाशा और तमाशाई, जहाक, महल सरा और मीर तकी मीर। कोहरे का चांद और तमाशा और तमाशाई इन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी पर लिखा है ड्रामा, जिसमें कोहरे का चांद बहुत ही अहम ड्रामा है। सागर सरहदी का ख्याल की दस्तक, मसीहा, किसी सीमा की एक मामूली सी घटना, तन्हाई और मिर्ज़ा साहिबान। इसमें ख्याल की दस्तक ड्रीम प्ले टेक्निक पर लिखा हुआ ड्रामा है जो एक लड़के और एक लड़की की दास्तान इश्क पर मबनी है। इसके अलावा किसी सीमा की एक मामूली सी घटना तकसीम हिंद के दौरान सरहद पर हुए एक वाक़े की तफसील इसमें पेश की गई है। कुमार पाशी का ड्रामा जुमलों की बुनियाद, अंधेरे के कैदी, ड्रामा शुरू होता है एटिकेट और बू। कुमार पाशी की खास बात यह है कि उन्होंने हिंदुस्तान में एब्सर्ड थिएटर की बुनियाद डाली। एब्सर्ड थिएटर से मुराद ये है कि एक ऐसा थिएटर जिसमें किरदार, जो भी किरदार ड्रामे में पेश किए जाएंगे उनकी ज़बान मुबहम होंगी, उनके ख्यालात वाज़े नहीं होंगे और उन्हें ज़िंदगी से कोई रगबत नहीं होगी, कोई लगाव नहीं होगा और ना ही ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद होगी। ठीक है, तो एब्सर्ड थिएटर इस तरह का थिएटर होता है जिसमें तमाम चीज़ें मुबहम होती हैं और गैर वाज़े होती हैं। तो कुमार पाशी ने हिंदुस्तान में एब्सर्ड थिएटर की बुनियाद डाली और उसके तहत ड्रामे लिखे, जिसमें जुमलों की बुनियाद, अंधेरे कैदी एब्सर्ड थिएटर के तहत लिखा गया एक अहम ड्रामा है। इसके बाद रिफत सरोश, डगर पनहगट की, मुसव्विर, उरूज आदम, इसी दीवार के साए में और ज़िंदगी एक सफ़र। रिफत सरोश ने नसरी ड्रामे लिखने के साथ साथ मंजूम ड्रामे भी लिखे हैं, इनके कुछ मंजूम ड्रामे भी हैं और इसमें डगर पनघट की और मुसव्विर ये दो अहम ड्रामे हैं। डगर पनघट की इसका मौजू मशहूर शायर अमीर खुसरो की ज़िंदगी पर मबनी है और मुसव्विर एक ऐसे मुसव्विर यानी कि आर्टिस्ट की दास्तान है जो अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और घर छोड़कर चला जाता है। आफाक अहमद का ड्रामा जीनत महल,
हजरत महल, याकूत, चंगेज ड्रामा अभी अधूरा है और आराइश महफिल। आफाक अहमद के ड्रामों की खास बात यह है कि इनके यहाँ ड्रामों में टेक्निक का इस्तेमाल बहुत किया गया है। जैसे कि इनका ड्रामा ड्रामा अभी अधूरा है में एक मुसन्निफ की दास्तान है जो एक ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहा है। इनके यहाँ ड्रामे में स्टेज पेशकश का अहम किरदार है, जैसे कि वो मुसन्निफ जब भी ड्रामा लिखने की कोशिश करता है तो वो कलम और कागज़ लेकर कुर्सी पर बैठ जाता है, तो वो उस कागज़ पर वो जो भी तहरीर लिख रहा है वो सामने बैठे हुए नाजरीन को स्टेज पर बाकायदा दिखाई भी देती है और वो बाकायदा उसे देख सकते हैं कि वो कैसी तहरीर लिख रहा है और कितना उसमें काट रहा है। तो इस तरह से टेक्निक के लिहाज से इनका ड्रामा अहम रहता है। शमीम हनफी, मिट्टी का बुलावा, पानी पानी, धूप की दस्तक, जिंदगी की तरफ, दीवार और नया हंसनामा। शमीम हनफी उर्दू के अहम ड्रामा निगारों में शुमार किए जाते हैं। इनका ड्रामा एफसर थिएटर से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, जैसे कि पानी पानी और ज़िंदगी की तरफ एफसर थिएटर के तहत लिखा गया अहम ड्रामा है। मिट्टी का बुलावा एक नौजवान की दास्तान है जो जिसे अपनी गांव की मिट्टी से बेइंतहा रगबत है और मोहब्बत है, जो अपने गाँव को छोड़कर शहर में नहीं बसना चाहता। ज़ाहिदा ज़ैदी का ड्रामा चट्टान, दिले नासुबूर, दारम, जंगल जलता रहा, सहराए आज़म, बहुत दूर तक रात होगी। उर्दू ड्रामा निगारों में ज़ाहिदा ज़ैदी का नाम इस अहमियत का हामिल है कि उन्होंने अंग्रेज़ी अदब और रूसी अदब का गहरा मुताला किया था। उनके तमाम ड्रामे अंग्रेज़ी और रूसी ड्रामों से मुतासिर नज़र आते हैं, जिसमें चट्टान, जंगल जलता रहा अहम ड्रामा है। इसके अलावा मौजू के लिहाज से सहराए आज़म और बहुत दूर तक रात होगी एक अहम ड्रामा है। बहुत दूर तक रात होगी उनमें उन्होंने गोधरा कांड जो हिंदुस्तान में हुआ था उस पर तफसीली नक्शा उसका खींचा है। इसके अलावा सहराए आज़म में उन्होंने जंग खलीज यानी अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था उस मौजू पर लिखा गया अहम ड्रामा है। इसके बाद कमाल अहमद का ड्रामा है कशकोल, गर्दाब, पदयात्रा, उल्टी गंगा, शीशे का घर, मर्ज बढ़ता गया, एक था राजा। कमाल अहमद के यहाँ मौजूआत के लिहाज से ज़्यादातर सामाजिक मौजूआत होते हैं और या सियासी मौजूआत पर इनके ड्रामे लिखे गए हैं। जावेद दानिश का ड्रामा हिजरत के तमाशे, कुंवारे भले, ईद का कर्ब, अंधी मामता, बड़ा शायर, छोटा आदमी। जावेद दानिश का ताल्लुक बंगाल से है लेकिन ये रहते कनाडा में हैं और चूंकि यहाँ हिंदुस्तान से ये हिजरत करके गए हैं इसी वजह से इनके तमाम ड्रामों के मौजूआत हिजरत पर मबनी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हिजरत के तमाशे हैं, कुंवारे भले यानी उन नौजवानों की दास्तान है जो कनाडा में रहते हैं और जिन्हें अपने लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। ईद का कर्ब, उन्होंने इस ड्रामे में ये बताया है कि कनाडा में जगह जगह ईद सेलिब्रेशन के लिए सेंटर बना दिए गए हैं और आप वहीं जाकर ईद मना सकते हैं, बाकायदा घर में या अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं मना सकते। तो इस तरह के जो अलमिया हैं मुल्क को छोड़ कर जाने का, वो तमाम मौजूआत जावेद दानिश के ड्रामों में हमें मिलते हैं। ज़हीन अनवर के ड्रामे हैं अंगारों का शहर, सलीब, नए मौसम का पहला दिन, ब्लैक संडे, आखिरी मोड़ और नक्कारा। ज़हीन अनवर उर्दू के बहुत ख़ास और अहम ड्रामा निगार हैं। इनके ड्रामों में इनका ड्रामों का जो फ़न है और जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और आला दर्जे पर है। जैसे कि अंगारों का शहर इनका ड्रामा है जो अलामती किरदारों के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाली उलझनों, मुसीबतों और परेशानियों को पेश करता है। सलीब हमारे उर्दू के ड्रामा निगार मिर्ज़ा अदीब की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा है। और इसके अलावा आखिरी मोड़ एक ऐसा ड्रामा है जो इंसान की नफ्सियाती उलझनों को पेश करता है। इस तरह से उर्दू ड्रामे के आगाज़ इर्तका को आपने देखा कि किस तरह से उर्दू ड्रामा संस्कृत ड्रामों से चलता हुआ अवामी ड्रामाई रवायत से होता हुआ आता है वाजिद अली शाह के यहाँ, जहाँ हम रहस देखते हैं, इंदर सभा देखते हैं, बहुत सारी सभाएं होती हैं और उसके बाद यह ड्रामा थ्रेटिकल कंपनियों से होता हुआ या जहाँ पर तजारत है, जहाँ पर मौजू के लिहाज से तफरी का ज़रिया है, वहाँ से होता हुआ संजीदगी की तरफ बढ़ता है और तरक्की पसंद तहरीक के साथ आज़ादी, तरक्की पसंद तहरीक में जो हकीकत पसंदी है उसके साथ और फिर आज़ादी के बाद समाजी, सियासी और माशरती हालात हैं उनसे बदलता हुआ जदीद दौर में आ जाता है। इन ड्रामों के बाद मैं आप
आपको कुछ किताबें बताना चाहती हूँ जो आप ड्रामे जिससे आप ड्रामे के फन को और उसकी तारीफ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहली किताब है ड्रामा फन और रिवायत, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन की है, जिसमें आपको आगा हश्र के बारे में, इंदर सभा के बारे में और ड्रामे की तारीफ, उसके अजाय तरकीबी और उसकी खसूसियात, ये तमाम चीज़ें तफसील से मिलेंगी। दूसरी किताब है उर्दू ड्रामा आज़ादी के बाद, यह है डॉक्टर मोहम्मद मंसूर अंसारी की, इसमें भी आपको उर्दू ड्रामे की तारीख तफसील के साथ मिल जाएगी। तीसरी किताब है उर्दू ड्रामा आज़ादी के बाद डॉक्टर शहनाज सभी की। चौथी है जदीद उर्दू ड्रामा डॉक्टर जहूर उद्दीन की, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप जदीद ड्रामों के बारे में जान पाएंगे। अनारकली जो आपके कोर्स में शामिल है, ये ड्रामा आपको पढ़ना है। उर्दू ड्रामा रिवायत तजुर्बा डॉक्टर अतिया निषाद साहिबा की बहुत अहम किताब है, ये उर्दू ड्रामे की मुकम्मल तारीख को कवर करती है। इंदर सभा की रिवायत डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन की किताब है, इसमें आपको अवामी ड्रामाई रिवायत, इंदर सभा और वाजिद अली शाह के जो भी हैं ड्रामे हैं वो तमाम चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। इसके अलावा उर्दू ड्रामा फ़न और मंजिलें प्रोफेसर सैयद वक़ार अजीम की किताब है, इसमें आपको उर्दू ड्रामे के फ़न पर तफसीली गुफ्तगू मिलेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया।